अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सैयद अली कुमैल एंड यू आर वाचिंग CDB प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, विक्टोरिया सिटी की करंट मार्केट में जो प्रोग्रेस चल रही है एवरी सिंगल डे, इसकी प्रोग्रेस में इसके प्रीवियस जो प्रोग्रेस रेशियो है उसमें एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। इसी फोरकास्ट को देखते हुए करंट डेटेड टाइम पे हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में डेफिनेटली एंड यूज़र हैं या फिर हमारे इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म इस इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर रहे हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, विक्टोरिया सिटी की पॉजिटिव में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। करंट सिनेरियो के मुताबिक अगर व्यूअर्स देखा जाए तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विक्टोरिया सिटी में इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट आइटम जो कंसीडर की जा रही है हमारे क्लाइंट्स की वजह से, हमारे इन्वेस्टर्स के कैसे कहते हैं रुझान की वजह से, तो वो इस वक्त विक्टोरिया सिटी का कमर्शियल है। मैं कुछ वजूहात आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल में इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और अचानक एकदम उसकी अवेलेबिलिटी शॉर्ट होना, उसकी डिमांड का इतना ज़्यादा इम्प्रूव होना और उसके साथ साथ उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि इन फ्यूचर विद इन ए शॉर्ट टाइम पीरियड आपको विक्टोरिया सिटी के कमर्शियल्स में एक हैंडसम अमाउंट देखने को मिलेगी। मैं आपको इस चीज़ की एक ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा जहाँ पे लिबर्टी लैंड में और लीवन लाहौर स्मार्ट सिटी के कमर्शियल्स में आपको 25-25, 30-30 लाख रुपये अनएक्सपेक्टेडली देखने को मिला था। उनकी क्या वजूहात थी? सेम आप यही चीज़ को माइंड में रख के विक्टोरिया सिटी के साथ चल सकते हैं कि हमारी तरफ से अपने फोरकास्ट से करंट डेटेड प्रीवियस जो प्रोग्रेस डेली बेसिस पे चल रही है उससे हम क्लियरली अब आपको क्लियर पिक्चर दे सकते हैं कि आपको कमर्शियल में अगर बजट फॉल करता है तो कमर्शियल में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुनासिब आपके लिए रह सकता है। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से कमर्शियल्स बहुत ज़्यादा हॉट आइटम है, बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस कंसीडर किया जा रहा है कि आप उसे फ़ौरन उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन फ्यूचर जो है वो कंसीडर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, बताने वाली जो अहम बात है वो कमर्शियल के हवाले से कि कमर्शियल की जो लोकेशन एग्जैक्टली बनती है, कमर्शियल की एक बड़ी ही लिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पे इस विक्टोरिया सिटी सोसाइटी के अंदर। देखें, आपके पास सबसे पहला पीस ऑफ माइंड ये है कि एक एंड यूज़र है या फिर कोई इन्वेस्टर है, अगर उसको कमर्शियल अलॉट किया जाता है तो वो कमर्शियल किसी भी लेफ्ट राइट साइड का, मेन बुलेवर्ड की बैक का या फिर कोई कह लें कि आपके सराउंडिंग का नहीं कमर्शियल होगा। वो कमर्शियल आपको 200 फीट वाइड रोड मेन बुलेवर्ड के ऊपर कमर्शियल अलॉट किया जाएगा। कमर्शियल की जो प्लॉट कैटेगरी है वो तमाम तर प्लॉट की 5 मरला की कैटेगरी है, कोई 8 मरला या 3 मरला के इसमें कमर्शियल कैटेगरीज नहीं है, जिसकी वजह से किसी ना किसी एक कमर्शियल कैटेगरी को किसी हद तक पसंद किया जाएगा और दूसरी कैटेगरी को किसी हद तक पसंद ना किया जाए। सेम कमर्शियल्स हैं, एक ही कैटेगरी है, सारी मेन बुलेवर्ड के कमर्शियल हैं, हाई एलिवेशन के मेन बुलेवर्ड पे रहते हुए और ऊपर से लिमिटेड कमर्शियल्स हैं। इन लिमिटेड कमर्शियल्स होने की वजह से डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। दूसरी एक अहम चीज़ जो बताने वाली है व्यूअर्स कि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि डेवलपर की तरफ से 1 अप्रैल 2 अप्रैल को जिस वक्त डील को प्री लॉन्चिंग प्राइसेस में लॉन्च किया गया था, उसके बाद 22 मार्च तक डेवलपर की तरफ से तमाम डील को उन्होंने अनाउंसमेंट के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए अपने रजिस्टर्ड ऑथराइज डीलर्स को बुकिंग क्लोज की ऑप्शन दे दी थी। अब मार्केट के अंदर कमर्शियल्स जो शायद आई थिंक 0.012% ही होंगे जो मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल हैं, और वो अवेलेबिलिटी भी आपको जो डीलर्स दे रहे हैं वो हाजिर फाइल नहीं दे रहे, हाजिर डिलीवरी नहीं दे रहे। अब करंटली मार्केट के अंदर सिनेरियो ये है कि मार्केट के अंदर जो चीज़ें आपको मिल रही हैं या तो हमारे डीलर हजरात, हमारे भाई, वो आपको लेटर हेड पे बुकिंग दे रहे हैं, टोकन मनी आपसे रिसीव कर रहे हैं कि आपको 1 से 2 दिन में अरेंजमेंट कर दी जाएगी, या फिर दूसरा जैसे आपने देखा होगा अपनी वर्किंग के दौरान कि ऑप्शंस क्या बच रही हैं कि जी आपको हम कमर्शियल अलॉट कर देंगे, डेफिनेटली आज का दिन दे दें, एक दिन दे दें, आपको बताते हैं, इंशाल्लाह शाम तक कर देंगे, इंशाल्लाह कल परसों तक आपको हम अलॉट करवा देंगे, आपको फाइल रिसीव हो जाएगी। ये मार्केट के इस वक्त डिलेइंग टैक्टिक्स हैं
क्योंकि इस वक्त तमाम तर डीलर को 80% एश्योरिटी है कि आने वाले ईद के 5 से 10 दिन में इस कमर्शियल के ऊपर एक अनएक्सपेक्टेडली अच्छा ओन प्राइस देखने को मिलेगी। तमाम तर डीलर्स जो रजिस्टर्ड हैं या फिर वो डीलर जिन्होंने डीलर्स के ज़रिए आगे कुछ अपने बल्क में चीज़ें बल्क में फाइल्स उठाई हुई हैं, अनरजिस्टर्ड डीलर जिनको आप कह सकते हैं, उन्होंने तमाम तर कमर्शियल्स को इस वक्त करंटली होल्ड कर दिया हुआ है कि इसी वजह से कि कुछ ही दिनों में वो अपने माल को डेफिनेटली ओन प्राइसेस के ऊपर सेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये छोटे छोटे सिनेरियो आप इस वक्त मार्केट में फेस बिल्कुल कर रहे होंगे। मार्केट में जो चीज़ें चल रही हैं आपके साथ CDB प्रॉपर्टीज़ की तरफ से ये बात क्लियरली शेयर करने का मकसद यही है कि आपके लिए कमर्शियल्स की ऑप्शन हो या फिर रेजिडेंशियल की ऑप्शन हों, उनमें सिलेक्शन, उनमें आपको उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो आपको ईजीली मिल सके। और इसके अलावा जो हमारे सीरियस बायर हैं जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट की सिचुएशन को देखना पसंद करते हैं या फिर जो ऐसे बायर जो वाकई जो इस वक्त मार्केट में बाइंग करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है कि आप CDB के प्लेटफॉर्म से अभी भी आपको कोई भी फाइल, वो रेजिडेंशियल हो या फिर आप कमर्शियल में अगर आपका बजट फॉल करता है तो आप हमसे हाजिर डिलीवरी पे फाइल रिसीव भी कर सकते हैं और आपको ऑन द सेम टाइम विद आपकी डाउन पेमेंट के साथ आपको फाइल भी डिलीवर की जा सकती है। मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए हम इजीली आपको बड़ एश्योरिटी के साथ ये चीज़ आपको कन्वे कर सकते हैं कि विक्टोरिया सिटी की लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आने वाले वक्त में जो इनके रिलायबल बिल्डर्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम 100% सेटिस्फाइड हैं। आप बिल्कुल भरोसे के साथ अपनी विक्टोरिया सिटी में इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें, वो शॉर्ट टर्म अभी करंटली करना चाह रहे हों या फिर आप लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हों, डेफिनेटली इसमें आपको एक अच्छी ऑन अमाउंट एक्सपेक्टेड इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली आने वाले वक्त में आपको ये वक्त ही बता देगा कि हमारे प्लेटफॉर्म से आपको जो एडवाइस दी गई थी, जो सजेशंस दी गई थी, वो किस हद तक आपको उसमें सदाकत नज़र आती है। व्यूअर्स, करंटली अगर मार्केट सिचुएशन के बारे में आपको अपडेट करूं विक्टोरिया सिटी के हवाले से कमर्शियल प्लॉट्स में या कमर्शियल फाइल्स के लिए स्पेशली, तो इस वक्त मार्केट में कमर्शियल फाइल के ऊपर कई जगहों पे ओन प्राइस भी डिमांड की जा रही है। इस वक्त ओन प्राइस डिमांड करने के बावजूद किसी हद तक लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि जो फाइल्स हैं आपको 2 से 3 में डिलीवरी दी जाएगी, जबकि जस्ट ये एक डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। आपको मैं फिर बताना चाहूँगा कि इसे डिले करने का मकसद स्पेशली जो सीरियस बायर्स हैं उनके लिए यही है कि आने वाले वक्त में जिस वक्त यहाँ पे ओन प्राइसेस होंगे तब के लिए इन बायर्स को हम किसी हद तक होल्ड रख सकें, तब तक इन बायर्स को हम किसी हद तक डिले कर सकें ताकि डेफिनेटली आने वाले वक्त में जिस वक्त वो सीरियस हों अपनी बाइंग के लिए उस वक्त हम एक प्रॉपरली ओन अमाउंट के साथ उनको फाइल को डिलीवर कर सकें। तो आपका ये पास एक बेहतर चांस है, इट्स वन ऑफ द यू कैन से गोल्डन टाइम पीरियड राइट नाउ कि आप अपनी टाइमली इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हुए कमर्शियल्स में 3 मरला रेजिडेंशियल फाइल में या 5 मरला रेजिडेंशियल फाइल में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यही इस वक्त एक हॉट आइटम्स हैं जो इस वक्त मार्केट में किसी हद तक अवेलेबल हैं। और अगर आपको बिल्कुल प्रोसीड करना चाहिए, कहीं से भी रजिस्टर्ड ऑथराइज से आप अपनी फाइल्स को प्रोसीड कर सकते हैं अगर आपको हाजिर फाइल्स मिल रही हैं, ऑन द सेम टाइम डिलीवरी मिल रही है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे प्लेटफॉर्म से आपको अभी भी तमाम तर फाइल्स की अवेलेबिलिटी हो सकती है। आप मेरे नंबर पर किसी भी टाइम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। विक्टोरिया सिटी की कोई कंसल्टेंसी, कोई रहनुमाई आपके माइंड में हो, आप कोई भी इस बारे में मुझसे कोई भी डिस्कशन करना चाह रहे हो, यू कैन कॉल एनी टाइम टू माई नंबर, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा नंबर दिया गया होगा, इट्स 0333-111-5400। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपके साथ एक नई अपडेट के साथ विक्टोरिया सिटी के हवाले से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।